जय श्री कृष्ण। मैं हूँ कृष्णा पंडित और आज मैं लेकर आई हूँ संस्कृत ज्ञान के सुभाषितों की श्रृंखला में अति विषय पर आधारित चाणक्य नीति का सुभाषित, जिसे आप जरूर देखें, जरूर सुने और मेरे चैनल कृष्णा पंडित ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गिरनारी। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति शब्द को हर जगह रोकना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज या वस्तु की अत्यधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी अधिक है तो या तो अपने लिए नुकसानकारक है या तो दूसरों के लिए नुकसानकारक है। अत्यधिक सहनशील होना भी नुकसानकारक है। अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, क्योंकि चंदन अतिशय शीतल होता है, पर यदि उस चंदन का अति घर्षण किया जाए तो वही चंदन से आग भी पैदा हो सकती है। अति के विषय पर संत कबीर जी ने भी कहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। कहते हैं कि ज़्यादा बारिश होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने के कारण सभी फसलें नष्ट हो सकती है। सूर्य का ताप न मिलने से कहीं सारी बीमारियां भी हो सकती है, कहीं वायरस भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए अति बरसना भी अच्छा नहीं होता। अति की भली न धूप, और धूप भी अत्यधिक अच्छी नहीं होती। अत्यधिक धूप के कारण मनुष्य की परेशानियां और बढ़ सकती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, कहीं भी अत्यधिक बोलना भी अच्छा नहीं होता। जरूरत से ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता। जब अपना या किसी और का नुकसान हो रहा हो, वहाँ चुप रहना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। चाणक्य जी ने भी अपनी नीति में कहा है, अति रूपेण वैसीता चाति गर्वे नारायण, अति दानार बलिर्भत यति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात इसे सुभाषित के द्वारा कहा गया है कि माता सीता रूपवती थी, सुंदर थी। अत्यधिक सुंदरता के कारण माता सीता का हरण हो गया, रावण उनको उठा के ले गया। अति गर्वे न रावण, यदि रावण की विशेषताएं देखी जाए तो रावण विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, शास्त्र को जानने वाला था, और कुल की दृष्टि से देखा जाए तो रावण का कुल कोई साधारण कुल नहीं था। रावण महर्षि पुलत्स्य का पौत्र था। रावण का कुल ऋषि मुनियों का कुल था। रावण वीर भी बहुत था। वीरता में रावण की कोई कमी नहीं थी। जितने भी युद्ध हुए सभी में रावण की विजय होती थी, इसलिए रावण को अभिमान था कि उसके जैसा इस सृष्टि में कोई नहीं है। यही अभिमान ने रावण के सारे पुत्रों को मरवा दिए। रावण के अहंकार ने अपने परिवार को बिखेर दिया, और यही अभिमान से रावण का भी विनाश हुआ। अति दानार बलिर्भत, राजा बलि को भी अतिशय दानी होने का अहंकार अपने मन में आ गया था। उसी अभिमान के कारण
राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये तो थी अति की बात। किंतु यदि धर्म की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र प्रेम की बात हो, देश प्रेम की बात हो, वहाँ अति होना उचित है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाई, हमारे वीर जवान, हमारी भारतीय सेना देश के लिए अत्यधिक राष्ट्र प्रेम दिखाए, तो वहाँ अति होना उचित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गिरनार। मेरी चैनल कृष्णा पंडित ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गिरनारी।